माफी मुख्तार के बाद ढह गया अतीक अहमद का भी किला। प्रदेश में चार दशक से कायम था आतंक का साम्राज्य। प्रयागराज में मेजपाल की दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो शोर उठा था, उसके बाद माफिया अतीक अहमद सबकी निगाहों में आ गया था। पुलिस पर अभियोजन की लगातार मजबूत होती पैरवी का नतीजा एक बार फिर सामने आया है। माफिया मुख्तार अंसारी को 21 सितम्बर 2022 को चार दशकों के बाद पहली बार वर्ष 2003 में लखनऊ जेल में जेलर को धमकाने के मामले में सजा सुनाई गई थी। इसके बाद मुख्तार को दो अन्य मामलों में सजा सुनाई गई है। कुछ ऐसा ही हासिल माफिया अतीक का भी हुआ। चार दशकों से जो अतीक दहशत का दूसरा नाम बना हुआ था, उसे उम्र कैद की सजा ने दूसरे कुख्यातों को भी सीधा संदेश दिया है। मुख्तार के बाद अब अतीक अहमद भी कभी चुनाव लड़कर बाहुबल के बलबूते माननीय नहीं बन सकेगा। इसके साथ ही अतीक के विरुद्ध हत्या समेत अन्य संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमों में अभियान के तहत अभियोजन के कदम बढ़ रहे हैं। मजबूत पैरवी के बलबूते मुख्तार के बाद अब अतीक अहमद भी कभी चुनाव लड़कर बाहुबल के बलबूते माननीय नहीं बन सकेगा। इसके साथ ही अतीक के विरुद्ध हत्या समेत अन्य संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमों में अभियान के तहत अभियोजन के कदम बढ़ रहे हैं। मजबूत पैरवी के बलबूते हत्या की संगीन घटनाओं में उसे फांसी की सजा भी सुनिश्चित कराई जा सकती है। चार दशक से अधिक समय से कानूनी खेल में पुलिस का धता बता रहे हैं कि अतीक अहमद के लिए लगभग 1.5 माह पूर्व सुप्रीम कोर्ट का इनकार वह बड़ा कारण था, जिसके बाद वह लगभग तय हो गया था कि अतीक के लिए अब सलाखों से बाहर आना मुमकिन नहीं होगा। उमेश पाल के अपहरण के मामले में शातिर अतीक ने अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के फिर से बयान कराने का रास्ता खोल दिया था, पर उसे पता नहीं था कि बीते 6 वर्षों में पुलिस पैरवी की बदली चाल ढाल उसके इरादों को कुचलने के लिए काफी है। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अतीक पक्ष के सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए MP MLA कोर्ट प्रयागराज के 18 दिसंबर 2022 को दिए गए उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसमें अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के फिर से बयान कराए जाने की अनुमति दी गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 16 जनवरी को दिए गए निर्णय 17 फरवरी को मुहर लगाते हुए विचारण न्यायालय को 6 सप्ताह के भीतर विचारण पूर्ण करने का आदेश दिया था। इसके बाद ही अतीक अहमद व इसके सहयोगियों का काउंटडाउन आरंभ हो गया था। मंगलवार को आखिरकार वह दिन आ गया जब अतीक का नाम सजायाफ्ता मुलजिमों में शामिल हो चुका है।